तो आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ जू चौपाटी की स्पेशल पाव भाजी। हाँ। क्या बात है, माशाल्लाह बहुत मजा आने वाला फिर आज तो। अच्छी तरह से हमारी भाजी जो है पक चुकी है, एकदम डिट्टो सेम टू सेम जू चौपाटी की बनी है। हाँ, देखो कलर भी सेम वाला है, माशाल्लाह टेस्ट भी एक नंबर है, क्योंकि हमने इसमें बीट डाले थे ना। इस पे हम ये पाव जो है वो सेक लेंगे। माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग, बटर में सेके हुए पाव बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज देखो मैं खाने में क्या बना रही हूँ, आप सबकी फरमाइश पे मैं बना रही हूँ मसाला खिचड़ी। ये देखिए, ये खिचड़ी देखिए हमारी, माशाल्लाह देख सकते हैं आप, देखने से ही पता चल जाता है कि कितनी ज़बरदस्त बनी है ना। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे से। तो मॉर्निंग हो चुकी है, मैं आ गई हूँ किचन में अपना नाश्ता बनाने के लिए। तो आज मैं नाश्ते में क्या बना रही हूँ वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ जू चौपाटी की स्पेशल पाव भाजी। हाँ। क्या बात है, माशाल्लाह बहुत मजा आने वाला फिर आज तो। आज बच्चे भी सब घर में है तो मैं ली चलो नाश्ते में आज पाव भाजी करते, तो ये पाव भाजी का नाश्ता करते। ये देखो पाव भाजी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने क्या क्या ली हूँ, आलू ली हूँ, गाजर है, फूल गोभी है, शिमला मिर्च और ये बीट है, और यहाँ पर मैंने एक कप ली हूँ मटर। ये बीट ज्यादा जू चौपाटी में डालते ना? हाँ, बीट से क्या कलर आता है पाव भाजी, कलर अच्छा आता है लाल, जिस तरह जू चौपाटी पे मिलती है बिल्कुल सेम वैसी बनती है। तो आज मैं आप लोगों को घर के मसालों में मैं किस तरह से बनाती हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलो, तो ये सारी भाजियाँ हम डाल देंगे कुकर के अंदर, और पहला ये भाजी को बॉईल कर लेंगे। सब मैं डाल देती हूँ, और ये भाजी की क्वांटिटी ना अपने हिसाब से रखना, जितना आपको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए वो हिसाब से, मैं अपने हिसाब से रखी हूँ, जितना आपको चाहिए वो हिसाब से रख लेना। और ये मैं मटर भी डाल रही हूँ, ये मेरे फ्रोजन मटर है, फ्रेश मटर मिल जाएंगे आपको तो वो डाल देना। और एक गिलास में पानी डाल के अभी आधा गिलास और डालूंगी, डेढ़ गिलास पानी डालूंगी, बस पानी कम लग रहा है क्योंकि मेरी भाजी ज़्यादा है तो मैं आधा गिलास और डालूंगी। चलिए अब डालूंगी इसमें मैं 1 टीस्पून नमक, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, गैस पे रख देंगे और 4 सीटी इसको लगा लेंगे। 4 सीटी में मतलब रेडी हो जाएगा? हाँ, 4 सीटी में गल जाएगी हमारी। अब पांचवे में? पांचवे तो और ज्यादा गल जाएगी। 4 सीटी बस है। अच्छा, गिन के 4 है, गलती से 5 हो गई तो चल जाएगा, ज्यादा नरम हो जाएगी। चलो ठीक। तो यहाँ पर हमारी भाजी गल रही है, जब तक हम इसकी तैयारी कर लेते बनाने की, तो यहाँ पर मैं प्याज काट रही हूँ, प्याज काट के रख देती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह से इसको बघार देते हैं और बनाते हैं। मतलब 4 सीटी का इंतजार हो रहा है? हाँ, 4 सीटी में पक जाएगी, फिर मैं बताती हूँ आगे का। तो यहाँ पर मैं टमाटर भी काट रही हूँ। तो हमारे कुकर को यहाँ पर 4 सीटी हो गई है, चलिए अब खोल कर देखते हैं। माशाल्लाह, यहाँ पर माशाल्लाह सब्जी हमारी गल चुकी है। 4 सीटी में इस तरीके से गल जाती ना? हाँ, देखो कितनी अच्छी गल गई है। अब क्या करेंगे, इसको मैशर से इसको मैश कर लेंगे। क्या बात है। तो अभी ये सब्जियों को हम मैशर के मदद से मैश कर लेंगे। तो इसको मैश करेंगे मेरे शौहर। लाओ, मैं मैश करूँगा। हाँ, तो तुम इसको मैश करके दे दो मुझे। और जब तक मैं दूसरी तैयारी, जब तक तुम दूसरी तैयारी करो, इसको मैं मैश कर देता हूँ। इसको इस तरीके से मैश करें, है नहीं? हाँ। दबा दबा के कुछ करें। ये देखिए, ये देखो अभी गैस पे मैंने रख दी हूँ कढ़ाई, अब मैं इसका बघार लगा देती हूँ, जब तक तुम वहाँ बैठ के मैश कर लो। हाँ, मैं बैठ के मैश करता हूँ हॉल में। हाँ, चलो यहाँ पर गैस पे कढ़ाई रख दी हूँ। अब इसमें डालेंगे हम
एक चम्मच भर के ऑयल ऑयल डाल दी हूँ। अब इसमें जाएगा बटर, ऑयल और बटर दोनों डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आता है। बटर पाव भाजी में जितना बटर डालेंगे टेस्ट उतना अच्छा आता है, और खाली बटर डालेंगे तो क्या है बटर जलने का डर रहता है, तो इसलिए ऑयल के साथ ही डालेंगे हम। तो यहाँ मैं हॉल में बैठ के मैश कर रहा हूँ, सैफन बोलता मैं भी करूँ, कर लूँगा ऐसा पूछ करो। हाँ यस, ये देखिए हाँ, जितना मैश होगा उतना अच्छा लगेगा ना आपने। चलो अभी किचन में आ जाओ। चलिए तो अब हमारा बटर भी मेल्ट हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम दो बारीक कटी हुई प्याज। इसमें प्याज को भी हम हल्की नरम होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज हमारी नरम हो चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे एक टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर अदरक लहसुन नहीं डालना चाहते आप तो फिर फ्रेश लहसुन भी चॉप करके डाल सकते हैं अदरक और लहसुन। यहाँ पर मैं पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसको अच्छे से भून लेंगे अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म होने तक। तो ये अदरक लहसुन हमारा भून चुका है, और इसमें डालेंगे हम बारीक चॉप की हुई एक शिमला मिर्च। शिमला मिर्च इस तरह से डालने से क्या है मुँह में जब क्रंची लगता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, तो एक शिमला मिर्च डाल देंगे। चलिए अब इसमें जाएगा, यहाँ पर मैंने दो प्याज ली थी तो उसका डबल मैंने चार टमाटर लिए, चार टमाटर को बारीक चॉप करके डाल देंगे इसमें। टमाटर ज़्यादा ही लगते हैं पाव भाजी में, टमाटर डाल के भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएंगे सूखे मसाले, तो यहाँ पर मैंने ली हूँ दो चम्मच एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ से भी हाफ हल्दी पाउडर और हाफ चम्मच नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, मैंने सब्जी में भी बॉईल करने के टाइम नमक डाली थी इसलिए मैं हाफ चम्मच डाल रही हूँ। सारे सूखे मसाले भी हम इसमें डाल देंगे, उनको भी टमाटर के साथ भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दी हूँ। क्या करेंगे टमाटर को नरम होने तक स्लो फ्लेम पर हम ढक कर 5 मिनट तक पकने देंगे, ताकि टमाटर जो हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, और तुम्हारा हो गया क्या मैश करके? हाँ हो गया। आ जाओ ये देखो माशाल्लाह कितना अच्छा मैश किया हूँ मैंने। हाँ देखो कितना अच्छा कर दिए माशाल्लाह। भाई लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने किचन में अपनी अपनी वाइफ का थोड़ा हेल्प कर दिया करो, बहुत मजा आता है मिलके पकाने में। देखो कितना अच्छा करे। हाँ अच्छा हो गया, मेरी थोड़ी हेल्प कर दिए, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। चलो अभी ये टमाटर अच्छे नरम हो जाएंगे, उसके बाद हम ये भाजी उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे टमाटर को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं, अच्छी तरह से नरम हो गए टमाटर हमारे, क्योंकि इसमें मसाले नमक वगैरह वगैरह डाली थी ना, इसलिए जल्दी से टमाटर नरम हो गए। तो आप क्या करेंगे, कलर भी देखिए कितना बेहतरीन आया है माशाल्लाह। अब इसमें हम जो मैश करके रखे सब्जी ये डाल देंगे, सारी सब्जी डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी ये जो मसाला है उसमें तो पानी डाल के खंगाल के वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए कुकर में भी मैंने पूरा पानी डाल के अच्छे से खंगाल लिया, ये पानी भी इसमें डाल देंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो ही रखेंगे वरना ये पट पट उड़ने लग जाता है, स्लो फ्लेम पे ही हम मिक्स करते जाएंगे इसको। देख सकते हैं माशाल्लाह कलर कितना बेहतरीन आया है, बीट वगैरह डाले थे हमने इसलिए। अब क्या करेंगे हम फ्लेम को स्लो करके, हम देखिए किस तरह से उड़ रहा है, इसको फ्लेम को स्लो करके हम इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे, ताकि हमारे मसाले और हमारी सब्जी
अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, है ना। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हमारी भाजी को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गए, चलो देखते। माशाल्लाह अच्छी तरह से हमारी भाजी जो है पक चुकी है। तो सेम टू सेम जूस चौपाटी की बनी आ गया। देखो कलर भी सेम वाला है, माशाल्लाह टेस्ट भी एक नंबर है, क्योंकि हमने इसमें बीट डाले थे ना, इसीलिए इसका कलर इस तरह से लाल लाल आया है। और खाने में भी उतनी टेस्टी है। अब डाल देंगे एक नींबू का रस। अच्छी चटपटी बनी है हमारी भाजी, है ना। देखिए नींबू का रस भी डाल दी। अब क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम डिश आउट करेंगे। पहले हम पाव को सेक लेते। तो यहाँ पर तवा रख दी हूँ मैंने, इस पर डाल देंगे बटर। ये पाव भी मैं कट कर लेती हूँ। पाव इस तरह से सेक के खाएंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब क्या करेंगे, बटर के ऊपर ही हम डाल देंगे थोड़ी सी भाजी, थोड़ी भाजी, और साथ में डाल देंगे हरा धनिया और इसको कर देंगे मिक्स। इस पे हम ये पाव जो है वो सेक लेंगे। माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह बटर में सेके हुए पाव बहुत अच्छे लगते हैं, मसाला पाव। अगर आपको मसाला पाव नहीं बनाना है तो खाली बटर डाल के भी आप सेक सकते हैं ना। माशाल्लाह ये हमारे पाव हो गए हैं रेडी। अब हमारी प्लेट हम तैयार कर लेते हैं, है ना। अब ये भाजी को हम करते हैं सर। बिस्मिल्लाह, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बनी हमारी पाव भाजी। पाव भाजी के ऊपर डालेंगे हम बटर। माशाल्लाह, अरे जो पाव सेक के रखे हैं ये भी रख देंगे हम इसके ऊपर। साइड में रख देंगे प्याज और ये नींबू। ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे हम हरा धनिया ताकि और अच्छा दिखे, है ना। तो ये हमारी जू चौपाटी स्पेशल पाव भाजी बनके रेडी हो चुकी है। बताओ माशाल्लाह, ये देखिए देख के दिल खुश हो गया, खाने में तो डबल खुश हो जाऊंगा मैं तो, एकदम बेहतरीन लग रही है। क्या नहीं, सेम जू चौपाटी, सेम जू चौपाटी वाली पाव भाजी घर में बना के खाओ, पूरे परिवार को खिलाओ। हाँ, फिर इनके हाथ होगा पाव भाजी। वहाँ तो बहुत महंगी देते हैं। हाँ, तो इतनी भी नहीं देते है ना, इसकी आधी भी देते है। हाँ, इसकी आधी देते, इतनी भी नहीं देते। बताओ, ओ स्पोर्ट है ना वैसा। घर पे बनाओ, पेट भर के खाओ और अपनी फैमिली को खिलाओ, परिवार को खिलाओ। हाँ, तो ये देखो ये मैंने मसाला पाव इस तरह से सेकी हूँ। अगर आपको चाहिए तो सिर्फ बटर में भी सेक सकते हैं। अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को, खाली बटर में सेक कर। अब मैं यहाँ पर बटर में पाव तल रही हूँ, ये देखिए इस तरह से आप खाली बटर में भी सेक के खा सकते, मसाला नहीं भी लगाए तो, ऐसे भी बहुत अच्छे लगते। ये देखो ये पाव भी हमारे सीख चुके हैं। चलो फिर अभी हम बैठते दस्तरखान लगाते और नाश्ता करते। यार जल्दी करो बाबा, बहुत जोर के लगी भूख, बर्दाश्त नहीं हो रहा है कितना जल्दी खाया जाए। हाँ, सही बात है, रेडी हो गया ना पाव भाजी, देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। तो चलो दस्तरखान पे मिलते हैं, दस्तरखान पे मिलते हैं। चलो अभी पाव भाजी आ गई है, सबको देती हूँ। नींबू डालेंगे और प्याज, कोथमीर और सबसे मेन बटर। बटर के बिना तो पाव भाजी अधूरी है ना। क्या बात है। चलो सैफान खाओ। सैफान तो शुरू हो जा बेटा, शुरू हो जा। तो आइए सब लोग मिलके खाते हैं आज का स्पेशल नाश्ता, आफरीन के हाथों से बना हुआ पाव भाजी। हाँ, जू चौपाटी का पाव भाजी, जू चौपाटी स्पेशल स्पेशल। ये देखिए इस तरह से बटर को मेल्ट कर लो और माशाल्लाह इस तरह से खाइए। आप लोग भी आइए हमारे साथ,
पाव भाजी खा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूह चौपाटी से भी ज्यादा अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी। आप लोग मेरी रेसिपी अपने घरों में जरूर ट्राई कीजिए, और फिर बाहर की खाना भूल जाएंगे। कैसे बनी समरीन? बहुत अच्छी बनी। अच्छा कैसे बनी? मेरे बच्चों को, मेरे शौहर को पसंद आ गया, मेरे लिए उतना ही काफी है। आप लोग भाई बनाओ, आपकी इंशाल्लाह पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। नाश्ता बनाए खिलाओ, फिर मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाश्ता करके हो गया, पाव भाजी हम लोग खाए, बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग चाय पी रहे, चाय बटर बन पाव, मेरे शौहर का फेवरेट बन पाव। मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह, लेकिन आज की पाव भाजी इतनी लाजवाब बनी थी माशाल्लाह कि हम लोग ने उंगली चाट चाट के खाया। हाँ इतना बेहतरीन बना था, बहुत ज्यादा मजा आया माशाल्लाह। आप लोग याद से ट्राई करके बनाए, अपनी फैमिली को खिलाए, है कि ना? हम लोग इतनी बनाए माशाल्लाह, खा के भी हमारी बच्चे माशाल्लाह बरकत होगी उसके अंदर। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बच्चे बहुत खुश हो गए, मुझे अच्छा लगा। तो भी चलो अभी चाय पीते हैं, उसके बाद फिर आगे का मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो काम मेरा सब हो गया है, सुबह नाश्ते के बाद काम बहुत था तो काम भी कर ली। अब आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज देखो मैं खाने में क्या बना रही हूँ, आप सबकी फरमाइश पे मैं बना रही हूँ मसाला खिचड़ी। हाँ तो अभी मैं आप लोगों को मसाला खिचड़ी की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो मसाला खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक ग्लास चावल। चावल कौन सा भी लेना जो आप खाते होंगे डेली घर में, वही चावल लेना। अब उसी के साथ डालेंगे हम हाफ कप मसूर की दाल, बहुत अच्छी लगती है ये खिचड़ी खाने में, और मेरे घर में तो मेरे बच्चों को और मेरे शौहर को बहुत पसंद है, और जल्दी भी बन जाती है, खाने में भी अच्छी लगती है। तो जल्दी से मैं ये सब दोनों चीज़ों को धोती हूँ, चावल को और दाल को, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए चावल को मैंने धोकर भिगा दी हूँ, दाल चावल को। अब इसे रख देंगे साइड में, गैस पे रखेंगे कुकर, उसमें डाल देंगे हम एक चम्मच भर के तेल, एक बड़ा चम्मच तेल डाल दी हूँ मैंने। अब सबसे पहले हम तेल में डालेंगे एक चम्मच जीरा, जीरे से बघार लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीरा तड़प जाएगा, उसके बाद हम डालेंगे इसमें एक प्याज रफली चॉप की हुई, और चार हरी मिर्च को मैंने काट ली, हरी मिर्ची और प्याज भी इसमें डाल देंगे। और प्याज को हम हल्की गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस कलर चेंज हो जाए थोड़ा हल्का गुलाबी जब तक। तो यहाँ पर हमारी प्याज हल्की गुलाबी हो चुकी है, अब इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन डाल के लिए हम अच्छी तरह से भून लेंगे, लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म होने तक थोड़ा एक मिनट भून लेंगे। तो यहाँ पर हमारा अदरक लहसुन भून चुका है, अब इसमें जाएंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और एक चम्मच नमक। ये सारे सूखे मसाले हम डाल देंगे प्याज में, और मसालों को भी डाल के भून लेंगे। ये देखिए मसाले भी हमारे भून गए। बस अब इसमें हम डालेंगे दो टमाटर बारीक कटी हुई, और थोड़ा सा हरा धनिया। अब टमाटर नरम होने तक हम अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जो है वो जले नहीं, और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए बस थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी नहीं जले। तो इसको 5 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, तब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए हमारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके। अब क्या करेंगे हम, ये जो चावल हमने धो के रखे हैं, दाल और चावल, ये डाल देंगे हम कुकर में। वो जल्दी बन जाती है, 10 मिनट के अंदर बन जाती है। आप लोगों के पास टाइम कम हो और जल्दी से खाना बनाना हो तो खिचड़ी बनाना इस तरह से मसाले वाली,
बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। मेरे घर में तो अक्सर बनती है दोपहर में। मैं कहीं बाहर चली जाती हूँ, आने लेट हो जाता है, तो जल्दी से मैं खिचड़ी बना देती हूँ। मसाले के साथ मैंने दाल और चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर दी हूँ। अब इसमें डालेंगे हम 4 ग्लास पानी। 1 ग्लास चावल ली हूँ तो मैं 4 ग्लास पानी डाल रही हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ी नरम खाते हैं खिचड़ी, एकदम खुली खुली खिचड़ी नहीं खाते, थोड़ी सी हल्की सी नरम रहती है तो खाने में मज़ा आती है। अब इसमें मैंने डाल दी हूँ 4 ग्लास पानी। इस टाइम पे आके आप नमक वगैरह चेक कर लेना, और फिर नमक कम लगे तो थोड़ा डाल देना। मेरा नमक बराबर है, मैं नहीं डालूँगी। तो ये देखिए, चलिए अभी मैंने सब मिक्स कर दी हूँ। क्या करेंगे, ढक्कन लगा देंगे कुकर का। ढक्कन लगाकर हम हाई फ्लेम पर 2 सीटी लेंगे, 2 सीटी से ज़्यादा नहीं लेना है। हाई फ्लेम पर 2 सीटी लेंगे, उसके बाद गैस बंद कर देंगे और इसको भाप में ही रहने देंगे। अब 2 सीटी होती है, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कुकर को 2 सीटी हो गई है। 2 सीटी होने के बाद मैंने भाप में इसी तरह से छोड़ दी थी। अब चलिए खोल के देखते हैं, प्रेशर जो है रिलीज कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, ये हमारी मसाला खिचड़ी बन के रेडी हो चुकी है। और ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितनी अच्छी बनी है ना। और जितना मैंने पानी डाली थी, और माशाल्लाह बराबर हो गया है। तो अभी मैं इसको आपको, आप लोगों को मैं सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये खिचड़ी देखिए हमारी, माशाल्लाह देख सकते हैं आप, देखने से ही पता चल जाता है कि कितनी ज़बरदस्त बनी है, है ना। जितनी दिखने में अच्छी है, खाने में भी उतनी टेस्टी है, देखिए माशाल्लाह। थोड़ी इस तरह की गिली गिली बनाना तो खाने में अच्छी लगती है खिचड़ी, ठीक है। अगर आप लोगों को इस तरह से नहीं चाहिए गिली, तो 1 ग्लास पानी कम कर देना। मैंने 4 ग्लास डाली थी, आप लोग 3 ग्लास डालना। पर हम लोग इसी तरह से खाते तो मैं ऐसी बनाती हूँ। ये देखिए, इसमें भी माशाल्लाह चावल खुले खुले ही बनते हैं, ज़्यादा भी नरम नहीं होते। अब इसको हम अचार पापड़ के साथ खाएंगे। बहुत कम समय में जल्दी बनने वाली रेसिपी है मसाला खिचड़ी। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने घरों में ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। तो फिर हम लोग सब खाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैं खिचड़ी के साथ पापड़ भी तल रही हूँ। अचार पापड़ बहुत अच्छा लगता है खाने। सैफान की आज छुट्टी है ना, तो नीचे चले गया है, बुला रही हूँ कब से, तो नहीं आ रहा है, नहा धो के खेलने चला गया है। अभी सैफान को भी बुला के लाती हूँ, साथ में खाना खिलाती हूँ। तो ये देखिए, बैठ गए हम लोग खाना खाने के लिए, मैं और मेरे बच्चे। देख सकते हैं आप लोग हमारी मसाला खिचड़ी, अचार और पापड़, है ना। तो फिर आप लोग भी आइए हमारे साथ खाने के लिए। तो अभी खा के भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। बहुत गरम गरम है माशाल्लाह, खाने मज़ा आ जाएगा। खिचड़ी गरम गरम खाने ही मज़ा आती है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप लोग भी आइए हमारे साथ मसाला खिचड़ी खाने, माशाल्लाह खाओ। साथ में प्याज भी है, तो चलो खा के मिलती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाकर हो गया हमारा। मेरे शौहर के लिए भी भिजवा दी मैंने हसन के हाथ से दुकान पर। समरीन गई है क्लासेस, अब वो आएगी शाम में, जब वो खाएगी, मैं और मेरे हसन हुसैन सैफान खा लेंगे, है ना जमा। अब खा रहे हम लोग फ्रूट्स। यहाँ पर देखो, हम लोग खा रहे पेरू और ये अनार। अनार मैंने कल जितने थे, 2.5 किलो अनार थे, सारे साफ करके डिब्बे में रख दी हूँ, है ना। जब चाहिए जब हम लोग खा लेते हैं ना सैफान। सैफान तुम्हारा फेवरेट है, और सैफान का भी फेवरेट है, और उसकी मम्मा का भी, है ना। तो अभी बस फ्रूट खाती हूँ, उसके बाद थोड़ा आराम करती हूँ, उसके बाद शाम में मिलती हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोग भी आइए हमारे साथ अनार खाने। तो दोपहर में खाना खाने के बाद मैं और सैफान
दोनों आराम कर रहे थे, देखो उठ गया, देखो बैठा है। सैफान सैफान अभी सैफान भी उठ गया, मैं भी उठ गई, असर की नमाज पढ़ी, अभी बैठी हूँ मेरी चाय पीने के लिए। चाय पीती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। आज मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बारिश तो हुई नहीं मगर बादल काले ही, आज धूप ही नहीं निकली और मौसम बहुत ठंडा है आज का, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखते बैठी हूँ और साथ ही में यहाँ पर मेरे मिर्ची के पौधे में मिर्ची भी लग गई है माशाल्लाह, ये देखो। तो मुझे और बहुत खुशी हो रही है, देखो मेरी छोटी छोटी मिर्चियाँ, तो देख सकते हैं आप लोग, ये देखो मिर्ची है ना, यहाँ भी देखो छोटी मिर्ची, ये मिर्ची देखो देखे मिर्ची मेरे पौधे में माशाल्लाह चार मिर्ची लगी है। और मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ, मुझे तोड़ने का भी मन हो रहा है। सैफान कैंची लेकर आओ, अपन कटिंग करेंगे मिर्ची। तो यहाँ मैंने इसको उगाई नहीं थी, मैंने बस बीन्स उसमें डाल दी थी, यहाँ बैठे बैठे हम लोग खा रहे थे तो मिर्ची की बीन्स डाल दी, तो माशाल्लाह पौधा अपने आप ही उग गया। सैफान लेकर आओ, देख नीचे चाहिए बेटे। तो इसमें माशाल्लाह अभी मेरे चार मिर्ची लग चुकी है छोटी छोटी देखो कितनी प्यारी है ना। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे प्लांट में मिर्ची लग गई। तो ये लो सैफान, सैफान भी बहुत खुश हो गया है ना सैफान। तो मुझे तो बहुत से प्लांट उगाने का बहुत शौक है, पर क्या है जगह कम पड़ रही है मुझे। मेरे फ्लावर्स तो अच्छे माशाल्लाह उग रहे हैं, और ये मेरा पेरू का है, इसको मैं नीचे लगाऊंगी तो और ग्रो हो जाएगा। अब इसमें क्या है जगह नहीं मिली, स्पेस नहीं मिल रही है इसको बड़ा होने के लिए। तो देखो अभी यही था आज मेरा दिन भर का रूटीन। सुबह में मैं जो आप लोगों को पाव भाजी की रेसिपी बताई, और अभी दोपहर में मसाला खिचड़ी की रेसिपी बताई। आप लोगों को कैसी लगी मेरी दोनों रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो फिर चलो ये वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, मेरी इंस्टाग्राम आई डी है आफरीन दस्तर खान। सर फिर अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़।